नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से समन जारी किया गया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि ये नोटिस नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जारी किया गया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि 2015 में ईडी ने ये केस बंद कर दिया था। सत्तारूढ़ पार्टी को पसंद नहीं आया तो ईडी के अधिकारियों को हटाया, नए लोगों को बिठाया और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेज रहे हैं। कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया गया, लेकिन हम पुरजोर तरीके से इसका सामना करेंगे। कांग्रेस नेता केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को नोटिस जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर कहा कि झूठ जानता है कि वो सच को हरा नहीं सकता, कायर को भी पता है कि वो निडर को डरा नहीं सकता। सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक बदले का हथियार बनाना कायरता ही है। पूरा देश सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हैशटैग सत्य नहीं झुकेगा हैशटैग के साथ ट्वीट किया है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ट्विटर पर लिखा है, जब कांग्रेस अंग्रेज हुकूमत के अत्याचारों से नहीं डरी तो ईडी का नोटिस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की हिम्मत को क्या खाक तोड़ पाएगा। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को ईडी द्वारा नोटिस जारी करना भाजपा सरकार की साजिश है। ईडी के माध्यम से मनगढ़ंत और काल्पनिक आरोप में समन जारी किया गया है। यह राजनीतिक द्वेष और कुंठित मानसिकता का प्रतीक है। सत्य की शक्ति का भय भाजपा के मन से कभी नहीं जाता। अब गुजरात और हिमाचल में चुनाव होना है। अपनी विफलताओं के बोझ के साथ मोदी सरकार मतदाताओं का सामना करने से डर रही है। जनता में भ्रम फैलाकर ईडी को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा पर आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए गलत तरीके से इसका अधिग्रहण किया गया है और कांग्रेस नेताओं ने 2000 करोड़ रुपए तक की संपत्ति हथिया ली है। इस मामले की जांच 2014 में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शुरू की गई थी। कांग्रेस इस मामले को लेकर कहती रही है कि यंग इंडिया लिमिटेड का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि इसका गठन चैरिटी के लिए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।